सर बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रही है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फाइल परमिशंस के बारे में। ठीक है, हमने इंस्टॉल करते हुए एक कमांड टाइप किया था सीएच मोड आर, क्या था वो कमांड? तो आ ही रही है सर, आपको साइलेंट जगह पे बैठ के लेक्चर अटेंड करो ना प्लीज। अब बताओ तो सीएच मोड कमांड हमने यूज किया था, क्या था वो? क्या था ये कमांड? परमिशन, किस तरह की परमिशन? रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे दोस्त? इस कंडीशन में अगर किसी डायरेक्टरी में राइट परमिशन अवेलेबल नहीं है तो आप फाइल के कंटेंट को तो मॉडिफाई कर सकते हैं, पर आप उस फाइल को रिनेम नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, उसको रिमूव भी नहीं कर सकते। सिमिलरली उसमें कुछ सेव भी नहीं होगा।
सेव भी नहीं कर सकते आप उसके बाद। और तीसरा होता है विंडोज में हमें देखते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम मोस्टली डॉट ई एक्स ई के एक्सटेंशन के साथ होता है, जिससे आप कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर। यूनिक्स और लिनक्स के अंदर आप प्रोग्राम ऐसे रन नहीं कर सकते जब तक आप उसको एग्जीक्यूट परमिशन सेट ना करें। अगर किसी भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट परमिशन सेट नहीं है तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते और यूज़ भी नहीं कर सकते। बेसिकली तीन तरह की परमिशन होती है, राइट, रीड और एक्सेक्यूट। यूजर उसको चेंज करे, ग्रुप में चेंज करे, ग्रुप पॉलिसी में, या सबके लिए सेम रहेगा। ऐसी कुछ परमिशंस के एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले है ls-l। अगर आप अपने लिनक्स में ये कमांड लेते हैं तो आपको जितनी भी आपकी फाइल्स उस डायरेक्टरी में उनकी रीड राइट जो भी परमिशन गिवन है उनके साथ आप वो देख सकते हैं। मैं सब कुछ स्क्रीन पे यहाँ पे मेरे फोल्डर डायरेक्टरी में जो भी फोल्डर अवेलेबल है यहाँ पे उनकी जितनी भी परमिशन सेट है वो मैं यहाँ देख सकता हूँ। किसी और फोल्डर में जैसे डेस्कटॉप में देखते हैं यहाँ पे मेरी एक टेक्स्ट फाइल है उसको रीड की और राइट की परमिशंस गिवन। एग्जीक्यूट की क्यों नहीं है इसके अंदर बता सकता है? एग्जीक्यूट की परमिशन इसमें क्यों नहीं है? टेक्स्ट फाइल में सिर्फ रीड की और राइट की परमिशन ही क्यों नहीं, एग्जीक्यूट की क्यों नहीं बता सकता? बता सकता है कोई? क्या पहली बात तो ये कोई प्रोग्राम फाइल नहीं है जिसको मैं एग्जीक्यूट कर सके। जो आपका आर डब्ल्यू ओ इंडिकेट क्या करता है, अगर कोई डायरेक्टरी होती स्टार्टिंग में, ये तो आपका सीधा इंडिकेट कर रहा है कि वो रीड राइट कौन सी परमिशन उसको। अगर स्टार्टिंग में डी डी दिख रहा था आपको वहाँ पे, यहाँ पे डी दिख रहा है डी, ये वाला डी दिख रहा है सबके साथ।
जो डी दिख रहा है ये आपकी डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। आर है आपकी परमिशन, डब्ल्यू है राइट परमिशन और एक्स है एग्जीक्यूट परमिशन। अगर उसमें डैश आता है डैश हाइफन तो वो होता है उसके यहाँ पे कोई परमिशन रीजन नहीं है। इस कोड में क्या होता है जो पहला फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको देखा आर डैश, ये क्या सजेस्ट करता है जो ओनर होम आपका होम पेज है उसमें आपकी कोई एक्सिक्यूट परमिशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू एक्स होता एक्सिक्यूट परमिशन आपके पास है। ये रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एडिट कर सकता है, पर कोई भी फंक्शन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। डिजाइंस लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का सिमिलर है, इसमें देखा जा सकता है फेडोरा में, सेंटोस में, उबंटू में, इन सब के अंदर भी आपको सेम फंक्शनैलिटी मिल जाती है, फाइल परमिशंस भी इनकी सेम रहती है। और जो सेकंड पार्ट रहता है इसका आर्ट का ये वाला सेकंड पार्ट, ये क्या डिक्टेट करता है कि आप यूजर ग्रुप में होम ग्रुप में आपके ग्रुप मेंबर्स को बना रखता है, आपका जो यूजर है वो किसी ग्रुप में ऐड है उसके पास क्या परमिशन अवेलेबल है। पहली आ रही ओनर की, ओनर क्या कर सकता है इसमें रीड कर सकता है राइट कर सकता है इस फाइल को। दूसरा सेकंड पे कोई ग्रुप पोजीशन पे कुछ कोई सर्विसेज है तो उसके पास से रीड की परमिशन है ना, उसको राइट कर सकता है ना एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये सेकंड पार्ट का आ गया। सेकंड पार्ट का डिक्टेट करता है कि होम यूजर या ग्रुप मेंबर्स इसमें क्या यूज कर सकते हैं इस फाइल से। थर्ड पार्ट होता है इसमें, उसका मतलब वो थर्ड पार्ट इंडिकेट करता है कि कोई भी यूजर उसके अंदर क्या क्रिएशन कर सकता है, एडिट रीड कर सकता है, उसको राइट कर सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है। दो फाइल, पहला आर डब्ल्यू पहला पार्ट किस लिए होता है, पहला पार्ट किस लिए होता है राइट कर, ये किसकी इसकी परमिशंस होती हैं, इसकी परमिशंस होती हैं तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट पार्ट किसके लिए किसकी परमिशंस इंडिकेट करता है, रीड और राइट, नहीं रीड और राइट तो वो बता रहा है कि वो परमिशन है आर डब्ल्यू एक्स रीड राइट एक्सिक्यूट, पर हमने देखा तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है, देख रहे हैं हर जगह तीन पार्ट में, यहाँ भी दो और ये तीन, तीन पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट क्या डिनोट करता है, किसकी परमिशन होती है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है किसकी परमिशन डिनोट करता है। ओनर की परमिशंस, होम की परमिशंस, आपकी रूट प्रिविलेजेस, ये पहला पार्ट ये डिनोट करता है।
सेकंड पार्ट क्या डिनोट करता है? सेकंड पार्ट क्या डिनोट करता है? पहला पार्ट का ओनर, सेकंड पार्ट अगर कोई यूजर ग्रुप से अटैच्ड है, यूजर ग्रुप की परमिशंस वो डिनोट करता है, और सेकंड जो यूजर है कोई उसकी परमिशन वो स्टाइल के साथ क्लियर है ये तीनों पार्ट? पहला यूजर्स का, ओनर का खुद का, दूसरा ग्रुप का, और तीसरा अदर्स, अदर्स यानी जितने भी अदर देन यूजर्स हैं, मेन यूजर के अलावा जितने भी यूजर्स होंगे वो उस फाइल को एक्सेस ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं या रीड राइट कर ले सकते हैं। क्लियर है तीनों? मैसेज के समझ में आया होगा। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? जिससे आप लॉग इन करते हैं वो आपका यूजर है, वो आपका ओनर आईडी, उसी से आप कोई भी मॉडिफिकेशन चेंजेस ये सब कर पाते हैं एक अपनी फाइल। दूसरा होता है ग्रुप, ग्रुप में मल्टीपल यूजर्स होते हैं जो एक ग्रुप क्रिएट होते हैं जिनके पास एक सेम फाइल का एक्सेस रहता है। देखते हैं हम फाइल शेयर कर देते हैं, फोल्डर शेयर कर देते हैं नेटवर्क के ऊपर, इस फोल्डर के अंदर कोई भी एक्सेस के ऊपर अगर रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों का उसको परमिशन गिवन है तो वो उसके ऊपर कोई फाइल डाल सकता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, यूज कर सकता है, एडिट कर सकता है। सिमिलरली ऐसे ग्रुप में होता है। तीसरा ओनरशिप होता है अदर, अदर्स में क्या होता है कोई भी अदर पर्सन इन द ओनर जो उस फाइल को एक्सेस कर। यूजर और ग्रुप मेंबर्स के अलावा कोई भी अदर पर्सन कैटेगरी में जो आती है वो थी अदर, जो भी उसको एक्सेस करे उसको क्या परमिशन होनी चाहिए, सिर्फ रीड की दें या राइट की दें, यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। अब यूजर्स और ग्रुप आप लोकली मैनेज कर सकते हैं etc/esw में और etc/group के अंदर। उसका सिंटैक्स क्या होगा? ls I can use.
कमांड्स क्या करना है अपने सारे सिस्टम में लिनक्स सिस्टम में, तो आप ये कमांड एंटर कर सकते हैं कट हाइफन डी कोलन हाइफन F1 etc password hyphen colon. मेरे को ये फाइल नहीं है इसलिए मैं कुछ लोग नहीं कर रही है, अगर मैंने यूज़र अकाउंट्स क्रिएट कर रखे होते तो यहाँ पे अवेलेबल दिख जाते इस कमांड से ऐसे. तीसरा होता है चेंज ओनर का कमांड, इसका कमांड होता है CHOWN चेंज ओनर. सिमिलरली आप इसके लिए ओनर की ओनरशिप की परमिशंस चेंज कर सकते हैं एंड क्रिएट कर सकते हैं. इसका सिंटैक्स क्या रहता है, CHOWN यानी चेंज ओनर और फिर नया ओनर न्यू ओनर का नेम जो कि आप इंटर करें और फाइल नेम जिस फाइल के लिए आप क्रिएट करें. अपने अपने टाइम सिस्टम में ये कमांड एंटर करके चेक करें उनके कितने आ रहे हैं यूजर्स, सभी एंटर करें अपने टाइम सिस्टम में. सभी एंटर करें चेक करें.
एंटर किया सबने? सुन पा रहे हैं सभी? सुन पा रहे हैं? चेक किया किसी ने? चेक किया किसी ने? भी चेक किया? चेक किया सबने ये कमांड? नहीं आ रहा? क्या आ रहा है दिखाना? गौतम क्या कमांड टाइप किया? जरा स्क्रीन दिखाना आपको क्या एरर आ रहा है। स्क्रीन शेयर करो।
गया, सबका हो गया। मैं लाइव भी लापू ने सर आवाज बहुत आ रही है बैकग्राउंड में। हेलो हाँ बोलो। ये ठीक है, चेंज ग्रुप वाला कमांड हम यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं? सी एच जी आर यानी चेंज ग्रुप, न्यू ग्रुप का नाम लिखना है और फाइंड में उसको चेक करने के लिए पहले एल एस एल और फाइल ये कमांड लिखेंगे। जब भी आप पहले साइट में कॉल करना है कुछ बस डिस्प्ले होता है उसके सामने क्या होती है पहला हाइफन हाइफन आपका होता है नॉर्मल फाइल को इंडिकेट करता है। टी डायरेक्टरी को एल आपके सेंडर के लिए टी नेम डिवाइस टी ब्लॉक ब्लॉक डिवाइस सी कैरेक्टर डिवाइस और एस सॉकेट को डिस्प्ले करता है। स्नैपशॉट में हम देख सकते हैं सीन आर्ट यानी अगर किसी फाइल कैरेक्टर डिवाइस के लिए सी जो होता है कैरेक्टर डिवाइस को। हेलो हेलो सर आपके बैकग्राउंड में अभी भी आवाज आ रही है। सी आपका होता है कैरेक्टर डिवाइस को रिनोट करता है और बी आपके ब्लॉक डिवाइस से सारा कोई डिवाइस को या फोल्डर टाइप तो वो डी से रिनोट करेगा स्टार्टिंग में उसकी परमिशंस में और अगर कोई कैरेक्टर डिवाइस है तो सी से रिनोट करेगा। जितने भी इनका फर्स्ट लेटर हाइफन से रिनोट होता है वाला नॉर्मल फाइल नॉर्मल फाइल यानी आपकी कोई टेक्स्ट फाइल हो गई पैड फाइल हो गई किसी भी तरह की फाइल हो गई तो वो हाइफन से डिनोट कर
और जो डी से स्टार्ट होते हैं जैसे कि हमने देखा था पहले, डी से वो सारे डायरेक्टरी को डिनोट करते हैं। अब इसी डायरेक्टरी की परमिशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं लिनक्स में, उसके कुछ फॉलोइंग कमांड्स है, उसके साथ उसका फाइल नेम करेंगे जो उसको परमिशन उसकी ऐड कर देगा। जैसे हमने यूज किया था सी एच मोड हाइफन आर ट्रिपल सेवन, जो उसकी रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन उसको देता है। दूसरी परमिशन होती है सी एच मोड हाइफन आर डब्ल्यू एक्स और डायरेक्टरी नेम, यानी किसी भी डायरेक्टरी की परमिशंस को रिमूव करने के लिए ये वाला कमांड यूज होता है। प्लस करने पे तो आप उसकी परमिशंस ऐड कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, और हाइफन यूज करने पे, हाइफन या माइनस यूज करने पे आप उसकी परमिशंस रिमूव कर रहे हो। तीसरा कमांड आता है सी एच मोड प्लस एक्स और फाइल नेम, ये उस फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशंस अलाउ करेगा, यानी अब उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर अगली आती है सी एच मोड हाइफन डब्ल्यू एक्स, ये उसकी रीड, ये उसकी राइट और एग्जीक्यूटेबल परमिशंस को रिमूव कर देगा ये कमांड। आर डब्ल्यू एक्स तीनों में डिफरेंस पता चल गया। कोई फाइल अगर मुझे, किसी फाइल को मुझे रीड की परमिशन देनी है तो कौन सा कमांड यूज करूँगा? सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। स्क्रीन शेयर कर सकते हो? स्क्रॉल डाउन करो, थर्ड नंबर
ओपन ही नहीं हो रहा है, ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऊपर डाउनलोड्स में आया होगा, देखो डाउनलोड्स के अंदर ही आया है क्या? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, जो राइट हैंड टॉप में जो तीन ऑप्शंस है उस पर क्लिक करो, बुकमार्क्स का है पहला, दूसरा नहीं वही, नहीं नहीं यहाँ नहीं, राइट में, राइट हैंड पे, राइट हैंड पे, राइट में ये पहला किसका है देखो, चेक करो, ये मेन्यू है उसके पास में, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करो, मेरा डाउनलोड्स, डाउनलोड नहीं हुआ है, ठीक है क्लिक करो इस पर, अपने आगे वाला फिर देखा क्या नेटवर्क से फेल हो रहा है? इसे ट्राई करो, इसको इसको बंद कर दो पहले वाले को, इसे ट्राई ट्राई करो दोबारा से डाउनलोड करने का,
इवेंट है, सबकी मीटिंग मिलता मंडे को रखना, मंडे को मैं सबसे बात करता हूँ।